मीडिया देखो वो मीडिया चला रहा है, वो जो चार विश कन्याएं हैं मेकअप वाली लिपस्टिक वाली, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं चला रहा। देखो हम लोग तो जंतर मंतर वाले ही है ना, आंदोलन जीवी है। मोदी ने कहा नहीं था पिछले साल फरवरी में कि कुछ लोग आंदोलन जीवी है, तो ही इज करेक्ट, हम तो आंदोलन जीवी है। जहाँ आंदोलन होगा हम वही मिलेंगे। सरकार को नहीं, सरकार को परेशान नहीं कर रहे हम। सरकार तो देखो फर्जीवाड़े से आई है। हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो कर रहा है, मैं कांग्रेस की बात अगर करूँ तो अगर जो राहुल गांधी कर रहा है ना वो सही, कई कई ऐसे मिसिंग पॉइंट है जहाँ पर उनकी नज़र ही नहीं है। अब जैसे गुजरात में चुनाव है तो भैया सबसे पहले तो हमें ईवीएम को करना पड़ेगा, इसे 3-5 करना पड़ेगा। जब तक ईवीएम है, ईवीएम 100% गड़बड़ है तभी तो जी ना। कांग्रेस तो दिलों पर राज करती है, तो ईवीएम हैज नथिंग टू डू विद कांग्रेस एंड विक्ट्री। लोग मतलब जो कांग्रेस ने किया है वही तो भाई साहब बेच रहे हैं 8 सालों से। अभी कल किसी ने मुझे कहा कि अरे तुम यहीं अटके हुए हो, चाय बेची, बोले देश बेच दिया, वो नहीं दिख रहा। तो ऐसे गड्ढे वड्ढे की तो आप देखिए, गड्ढे कौन खोदेगा आप ये बताओ। इस देश का जो निर्माता है वो क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म भी आज, तो हम उनको नमन करते हैं। और हाँ बिल्कुल, वो मीडिया का प्रोपगेंडा है। 2014 में जब ये आया था तो उससे पहले 25,000 करोड़ की मीडिया से डील हुई थी, मोदी मोदी मोदी, और फिर अब तो अरबों में गई है, अब की बार तो लाखों अरबों में गई है ये वाली 2019 वाली। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे 2019 की शुरुआत में हालात ख़राब हो गए थे, तो भाई साहब ने पुलवामा पर ध्यान दिया, और फिर पुलवामा के बाद वो तो खैर आपको भी पता है, मीडिया आप लोग जितने भी हम लोगों को दिखा रहे हो आंदोलन जीवियों को, आप खुद भी कायदे से आंदोलन का हिस्सा हो। और मैं आप सबको भी सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे माहौल में आप पंगा लेकर हम जैसे सिर्फ रे लोगों को दिखा पा रहे हैं। तो इसका मतलब भाई जी को पता तो है तू गाली खाने के काम कर रहा है, समझे? भाई साहब को ये भी अच्छी बात है, ये हमारी जीत है कि उसको पता है कि वो गालियां खा रहा है और वो गाली खाने के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 साल से आप प्रधानमंत्री हो और फिर भी आप गाली ही खा रहे हो, आप उस इज्जत क्यों नहीं कमा रहे? मीडिया देखो वो मीडिया चिल्ला रहा है, वो जो चार विश कन्याएं हैं मेकअप वाली लिपस्टिक वाली, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं चिल्ला रहा। विश कन्याएं मैम दो बार जहर उगलती है, वो बार देश हाँ तो मैंने बोला कर रही है ईवीएम कर रही है। अगर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस फेल हुई, तो कांग्रेस में जो लोग उन दिनों थे आज वो सब के सब भाजपा में आकर और सांसद बने बैठे हैं। मैं आपको 10-15 नाम गिना सकती हूँ। तो जो भ्रष्ट लोग थे वही अब वहाँ हैं सत्ता में, तो वो अब भी हैं, तो वो वहाँ जाकर क्या करेंगे? अब उन्होंने रेनकोट खरीद लिया है क्या? क्या भ्रष्ट नहीं करेंगे? लेकिन चलो मान लेती हूँ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, कांग्रेस के बहुत सारे कमियाँ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने देश नहीं बेचा, कांग्रेस ने शिक्षा स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया। हाँ 30 साल पहले जरूर, जब मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, जब वो वित्त मंत्री थे ना 30 साल पहले, तो उन्होंने आर्थिक सुधारों के नाम पर शिक्षा स्वास्थ्य का पूंजीकरण कर दिया, जिसका खामियाजा किसान मजदूर भुगत रहा है। अभी जो प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल खुल गए हैं, ये मनमोहन सिंह की देन है एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्योंकि वो उनको जाना, देखो इंसान है, गलती हो गई, लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। शिक्षा और स्वास्थ्य वापस से हमें सरकारी ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि देखो मैंने बताया आपको ईवीएम बहुत घातक चीज बन चुका है, ईवीएम को हमें बैन करवाना ही पड़ेगा। 150 करोड़ के देश में लोग कितने लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं, तो हर लोग मतलब हर एक व्यक्ति बोल नहीं रहा है, जो भी बोल रहा है उसकी हत्या हो गई है, ठीक है? जैसे गौरी लंकेश की हत्या तो नमूना भर है, ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जो पिछले लॉकडाउन लगाकर भी पत्रकारों की हत्याएं हुई है, 20-20 साल के 22-22 साल के लड़कों को कोरोना बता के मारा गया है। हाँ तो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि जो अन्ना है ना गन्ना खुजारे, ये यहाँ बैठा था जंतर मंतर पर 11 में, तो भाई साहब 8 साल से नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गायब हो गया? अरे बूढ़े आदमी तू 90 साल का, तेरे को और क्या चाहिए भाई? मरते वक्त तो अच्छा काम कर लेता। ये मोदी को देश पे थोपवा गया, वो देखो अभी समझ आ रहा है सबको, केजरीवाल का हमने बोला कि ये संगी है, और देखो मुखौटा निकलने धीरे धीरे। इसने पंजाब में
गवर्नमेंट बनाते ही हमारे आंदोलन जीवी लड़के सिद्धू की हत्या करवाई। और सिद्धू के माँ बाप, मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, सिद्धू के माँ बाप ने बोला है कि अगर मैं हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हम FIR वापस लेंगे और विदेश सेटल हो जाएंगे। तो ये हालात है देश के। सिद्धू किसान का बच्चा था, किसान की बात करता था। और दूसरा सिद्धू, दीप सिद्धू को आपको पता ही है कि निशान साहिब का झंडा टगवाया, किसानों ने एक्सपोज किया कि भाजपा का आदमी है, बेडरूम की तस्वीरें आई माननीय मोदी के। बाबा साहब के भगत नहीं है ना, यही तो, ये तो फ्रॉड है देश में। आप ये बताओ कि यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया, क्या हमने कहा कि मनीष सिसोदिया पे जो CBI की बात चल रही है वो नूरा कुश्ती है, और देखिए आप अरेस्ट नहीं हुआ। और फिर देखिए कि CBI में पेश होने, CBI है ED है पता नहीं है, CBI के पास जाने से पहले महात्मा गांधी के उस पे समाधि पे राजघाट पहुंचा नमन करने मनीष सिसोदिया। और पंजाब में जहां सरकार है फुल फ्लैश्ड, वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर गायब है। और आपको पता है बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगानी पड़ी? पंजाब में सबसे ज्यादा SC वोटर है, 32%। हाँ, तो गांधी के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे, मैं बाबा साहब की फैन हूँ, मैं अम्बेडकर राइट हूँ, लेकिन बापू का नाम वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। आप उनका फोटो नहीं हटा सकते। घर के अंदर जहरीला सांप घुस जाए तो उसका विकल्प नहीं देखा जाता, उसकी मुंडी रगड़ने का काम किया जाता है। आप देखो, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, 5 साल बाद आप भी कहेंगे, 5 साल बाद आप कहेंगे, अभी मैं कह रही हूँ कि वो राहुल गांधी महात्मा गांधी है, उसका अवतरण है, उससे भी 2 कदम आगे हो सकता है। वो संत आदमी है, जिन चीजों के लिए लोग झगड़ रहे हैं ना, वो तो वो लेके पैदा हुआ है। ये भगवा बाणा पहन कर विकास दुबे की रातों रात हत्या करवा कर आप योगी नहीं बन सकते। अपराधियों का एनकाउंटर ना हो, ये कौन बताएगा? टॉप अपराधी देश के हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और ये ठग अजय सिंह बिष्ट, ये टॉप अपराधी है। क्लीन चिट तो दिलवाई गई है, जकरिया जाफरी, मैं बताती हूँ, गोधरा के पूरे सबूत थे। जहाँ कांग्रेस डूबी है वहाँ मैं अहमद पटेल का नाम है। अहमद पटेल ने दोनों लकड़बग्गों को बचाया है, रंगाबिल्ला को बचाने वाला अहमद पटेल है, और उसी का खामियाज। मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, कांग्रेस की जो जवाबदेही है वो बड़े लीडर से लीजिए, लेकिन बीइंग ए सिटीजन, बीइंग एन यू नो क्या कहेंगे उसको, जिम्मेदार नागरिक की वजह से मैं बता रही हूँ कि हमने जो महसूस किया है वो ये है कि कांग्रेस से गलतियाँ हुई हैं, और इन लकड़बग्गों की जगह तिहाड़ में थी, और ये देश का राज सौंप दिया, इसमें कांग्रेस की भूमिका है, अन्ना खुजारे, गन्ना खुजारे की भूमिका है, और EVM की भूमिका। देखिए आप, मैं नाम नहीं ले सकती, कल परसों एक भाजपा के बड़े लीडर मेरे साथ थे, ऑफ कैमरा मैं बता रही हूँ, बेशक आप वायरल कर देना, ऑफ कैमरा सारे भाजपाई, 2 गुजरातियों को छोड़कर सारे भाजपाई हमारी बातों से एग्री करते हैं। और किसी की भी, जो भी मिनिस्टर है ना, सबके सब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, किसी की औकात नहीं है कि एक सिपाही का ट्रांसफर कर दे 2 गुजरातियों के अलावा। सारों को कोठी कोठी मिली हुई है, और सबकी नस पर पैर रखा हुआ है। अगर जवान खोली तो मर्डर भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि हम भी खतरों से खेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं गलती से मर गई तो कोई बात नहीं, हम अपना बयान तो छोड़ गए ना, तो और कोई खड़ा हो जाएगा, जैसे कन्हैया कुमार है। सिरफिरे लोग बहुत होते हैं दुनिया में, तो हम सिरफिरों में से हैं, हम तो बोल के जाएंगे। इस वजह से अपने ही लोगों को खा जाते हैं ना, जहरीले लोगों को पता नहीं चलता। अरुणा ये कौन थी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, परिकर नहीं, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि हम भी नहीं आहत भी नहीं करते किसी की। जो भावनाएं आहत करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी भी होंगी। आप बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी?